कि लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने के लिए नियम के अनुसार नोटिस ही नहीं दिया है। शुक्रवार को एक पत्र देकर केवल ये कहा था कि वे लोकसभा में बोलना चाहते हैं, जबकि इसके लिए नियम 357 के तहत नोटिस देना चाहिए था, जो कि राहुल गांधी ने नहीं दिया। इसीलिए अभी तक उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है। अगर वे नियम के अनुसार नोटिस देते हैं तो उचित कदम उठाया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये मामला उठाया जा रहा था राहुल गांधी द्वारा, कांग्रेस नेताओं द्वारा, कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमें देंगे। अखिलेश, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और जो हमें आरजू पता लगा है कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक पत्र दिया था, ये पत्र केवल इसमें यह लिखा गया था कि वो इन तमाम विषयों के ऊपर लोकसभा में अपनी बात रखना चाहते हैं, लोकसभा में बोलना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा सचिवालय के सूत्रों की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि ये जो पत्र है ये किसी भी नियम के तहत नहीं है, जबकि कोई भी सांसद जो है वो अगर नियम के तहत नोटिस देता है तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। और अगर इस मामले में राहुल गांधी नियम 357 के तहत नोटिस देते हैं तो फिर निश्चित तौर पर उस पर आगे की जो है कार्रवाई वो की जाएगी, ये लोकसभा सचिवालय के सूत्रों की ओर से कहा गया है। ये इसलिए भी बताना इतनी जरूरी था उनके सूत्रों के हवाले से, सूत्रों का यह कहना कि ये बताना इतनी जरूरी था क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि अगर वो नियम के अनुसार नोटिस देंगे तभी इस पर उनको बोलने की अनुमति मिल सकती है। केवल एक पत्र लिख भर देने से अगर वो चाहे कि उनको बोलने का मौका मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी सांसद हो, हर सांसद को नियम के तहत ही अपना मामला जो उठाना होता है, नोटिस देना होता है, उसके बाद ही इस पर विचार किया जाता है, फिर अंतिम निर्णय होता है कि उन्हें बोलने का मौका कब दिया जाए, कितना समय उनको दिया जाए, और ये सारी बातें जो बाद में तय होती है। लेकिन अगर वो नोटिस ही नहीं देते हैं बोलने के लिए तो निश्चित तौर पर इस पर कोई फैसला नहीं हो सकता, और अभी तक उन्होंने कोई नोटिस नियम 357 के तहत नहीं दिया है। शुक्रवार को केवल एक पत्र भर लिखकर उन्होंने कहा था कि वो बोलना चाहते हैं। बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने के लिए नियम के अनुसार नोटिस ही नहीं दिया था। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। पहले भी हमने देखा अपनी बयानबाजी में वो इस बात का जिक्र करते रहे कि अगर बोलने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन यहां पर बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि उन्होंने नियमों का पालन ही नहीं किया और नियम के अनुसार उन्होंने नोटिस नहीं दिया था। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने के लिए नियम के अनुसार नोटिस नहीं दिया। शुक्रवार को केवल एक पत्र लिखा था, कहा था कि वे लोकसभा में बोलना चाहते हैं लेकिन जो नियम है 357 उसके तहत उन्होंने नोटिस नहीं दिया था।